दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ आपका इंडियन नेवी में आपका मुंबई से जो कि निकला हुआ है फॉर्म आपका निकल गया है इंडियन नेवी में फायरमैन का पोस्ट का फॉर्म निकला हुआ है। ठीक है दोस्तों, और मैं वीडियो थोड़ा डाल नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ इसलिए वीडियो डाल नहीं पा रहा हूँ। तो मैं पूरी जानकारी आपको बताता हूँ, शायद मैं लेट हो गया हूँ आपका फॉर्म के बारे में बताने के, फिलअप करने के बारे में। तो आप लोग पूरी जानकारी देख लीजिए, आपका जो कि नेवल डॉकयार्ड मुंबई कह सकते हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिए स्क्रीन पर, मैंने शो कर दिया है फायरमैन की पोस्ट है इसमें। ठीक है, और ये मुंबई में निकला हुआ है, और भी तीन चार जगह आप देख सकते हैं दिया हुआ है, वो भी देख लें आप लोग, क्या मनकुंडा ऐसे कुछ लिखा हुआ है। और इसमें टोटल जो भर्ती होने वाला टोटल सीट जो है 95 सीट है। ठीक है ना, 95 सीट पर टोटल भर्ती होने वाला है। एससी के लिए 14 सीट है, एसटी के लिए 7 सीट है, ओबीसी के लिए 26 सीट है, और जनरल के लिए 48 सीट दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, और इसमें एक्स सर्विस मैन के लिए भी 9 सीट दिया गया है, और वो एचएच के लिए हैंडीकैप्ट के लिए भी 1 सीट दिया गया है, शायद वो पीडब्ल्यूडी वाले के लिए है, उसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा। और इसमें और आप लोग देख ले इसमें जो भी दिया गया है, और मैं अगर जानकारी आपको बता देता हूँ क्या है रिजर्वेशन इसमें, ST SC OBC जो भी आप लोग ST SC OBC, और एज इसमें 18 से 25 साल आपका दिया गया है। ठीक है, 18 से 25 साल जिनका हो रहा है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड जो आपका लिया जाएगा, जो कि इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो मैट्रिक पास है। ठीक है ना, मैट्रिक पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आपका फिजिकल मांगा गया है उसके बारे में बता देता हूँ, 165 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है आपको। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर हाइट, शैल बी मेंबर ऑफ शेड्यूल ST के लिए, ST के लिए 2.5 सेंटीमीटर का छूट दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें चेस्ट जो है 81.5 सेंटीमीटर आपको है फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर करना है, और वेट आपको 50 kg कम से कम होना चाहिए। और जो फिजिकल होगा उसमें 63.5 kg का आपको बोड़ा उठा के दौड़ना होगा, जिसको कि बैग कहते हैं, बैग भी कह सकते हैं या फिर बोड़ा कह सकते हैं हम लोग भाषा में। तो बैग उठा के आपको दौड़ना होगा 183 मीटर दौड़ना होगा 96 सेकेंड में, और 2.7 मीटर विथ डिजिटल लैंडिंग बोथ फीट लॉन्ग जंप आपको 2.7 मीटर लॉन्ग जंप करना है। ठीक है, और 3 मीटर आपको रस्सी पर चढ़ना है। ठीक है, हाथ से पुल जिसको कह सकते हैं ऊपर चढ़ना होगा आपको रस्सी पे। और इसमें और तो कुछ है नहीं ज़्यादा दिया हुआ, और इसमें फायर फाइटिंग ये सब कुछ नहीं। और चलिए मैं आपको रिजेक्शन की बात करता हूँ, तो ST SC के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल है, OBC अगर हैं तो 6 साल आपको मिलेगा, और PW वाले के लिए 10 साल है, OBC के लिए 13 साल है। और इसमें सिलेक्शन जॉब प्रोसेस देख सकते हैं दिया हुआ है आपका, शॉर्टलिस्ट पहले कैंडिडेट का किया जाएगा, जो भी जितना भी फॉर्म गिरेंगे, जैसे मान लीजिए 1 लाख फॉर्म गिरेंगे तो उसमें पहले कैंडिडेट का शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, शॉर्टलिस्ट करने के बाद उसमें रिटर्न के लिए एग्जाम के लिए उन लोगों को रिटर्न एग्जाम के लिए उन लोगों को अप्लाई करना होगा। ठीक है, रिटर्न एग्जाम के लिए आपको कॉल लेटर भेजा जाएगा, और इसमें आप रिटर्न एग्जाम का सिलेबस आप लोग देख सकते हैं, 20 नंबर आपका रीजनिंग से आएगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 20 नंबर, इंग्लिश से 20 नंबर, जनरल अवेयरनेस से करंट अफेयर्स को कहते हैं 20 नंबर, जनरल अवेयरनेस से फायर फाइटिंग से 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, टोटल 100 नंबर का आएगा, और सिलेबस आप लोग देख लीजिए, जो सिलेबस आपका दिया गया मैं पूरी जानकारी आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, जनरल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग से क्या चैप्टर से आएगा, नॉमरिकल से क्या आएगा, जनरल इंग्लिश से क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस से क्या आएगा, फायर फाइटिंग से क्या आएगा, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट शॉर्टलिस्ट रेशियो 1:10 के अनुपात में आपका बांट के फिर होगा। ठीक है, और किन्हीं का मन में कोई सवाल चल रहा है तो कृपया मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताएंगे, मैं कमेंट में उनको जवाब दे दूंगा। ठीक है, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका दिया जाएगा वो आप साइट पर देख सकते हैं, indiannavy.nic.in या फिर bhartisewa.com पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और आपका ऑनलाइन डेट आप देख सकते हैं दिया हुआ, ऑनलाइन डेट आपका स्टार्ट हो चुका है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आप देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, 1 से 7 मई तक आपका बोल रहे अप्रैल तक, और इसमें ऑनलाइन अप्लीकेशन भर्ती सेवा इसमें, और आप लोग ध्यान से देख लें। ठीक है, और किन्हीं का मन में कोई सवाल चलता है तो कृपया मुझे बताएं, मैं पूरी तरह से कमेंट में जवाब दे दूंगा आपको। ठीक है, किन्हीं का मन में कोई सवाल चलता है तो, क्योंकि बहुत लोग वीडियो देखते नहीं और सवाल करते हैं तो मैं जवाब देने में थोड़ा समर्थ हो जाता हूँ, तो आप लोग पूरी तरह से कमेंट करें, मैं कमेंट में आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। बस यही था आपका दोस्तों। ठीक है, और कुछ है नहीं तो, और इसमें ज़्यादा कुछ दिया गया नहीं है दोस्तों, और दिया हुआ रहता तो मैं आपको बता देता। फ़ोटो ये सब तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं, और इसमें बस यही है। तो थैंक यू दोस्तों, बस मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर ऑन करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड जय हिंद दोस्तों।